दोस्तों अगर आपको डॉग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एटमिक्स, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए लेटेस्ट डॉग हेल्थ नॉलेज वीडियोस और फिश हेल्थ नॉलेज वीडियोस देखिए सबसे पहले। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आपके पेट्स और आप हेल्दी होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो मानसून अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ ऐसे वीडियो बनाए जाए ताकि आपके डॉग को कुछ और अच्छा, यानी फिर आप अच्छे से टेक केयर कर सके, कैसे आप मानसून में अपने डॉग को टेक केयर कर सकते हैं, क्या क्या जो कुछ टिप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ बातें होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए, तो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके कारण आपको अगर कुछ प्रॉब्लम या फिर आपके डॉग को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो वो बच सकती है और आपका डॉग हेल्दी और फिट रह सकता है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाइएगा और बाजू में जो बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और ये जितना हो सके इतने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके डॉग का जो नहाना, ध्यान रखिएगा दोस्तों मॉनसून में जो है आप वीक में कम से कम एक बार नहलाना चाहिए अपने डॉग को। ऐसा नहीं कि आप जो है हफ्ते में दो या तीन बार डॉग को नहला रहे तो ऐसा मत कीजिएगा, जिसके कारण उसको सर्दी लगने के चांसेस हो जाते हैं, उसके नाक से जो है फिर पानी बहना चालू हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है, तो ये डर लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हफ्ते में आप कम से कम एक बार जरूर नहलाएं, और नहलाते टाइम आप थोड़ा सा गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं, गर्म या ठंडा पानी मिक्स करके, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो सही रहेगा और आपके डॉग को भी आसान नहीं रहेगी नहाते टाइम पे, तो उसको भी काफी अच्छा लगेगा। ज्यादा मत नहलाइएगा अपने डॉग को और जितना कम हो सके उतना कम और अच्छा रखने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो है आपका डॉग अगर बाय चांस भीग जाता है कभी कभार, जो आप बाहर जाते हो या फिर घर पे नहीं होते या फिर आपके ध्यान से निकल जाता है, बाहर अचानक घूमने चला जाता है, कभी कभी आपकी बात नहीं मानता और कभी ऐसा कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण वो बारिश में नहा लेता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों नहाने के उसका आपको जितना जल्दी हो सके उतना उसको पोंछ लेना है एकदम टॉवल से या फिर सूखे कपड़े से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों सूखा कपड़ा और सॉफ्ट कपड़ा यूज़ कीजिएगा, जिसके कारण अगर आप रफ कपड़ा यूज़ करते हैं तो उसकी स्किन से जो है बाल निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसकी स्किन में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप सॉफ्ट कपड़ा यूज़ कीजिएगा और जितना जल्दी हो सके उतना उसको पोंछ करके उसको जो है सूखा जरूर दीजिएगा। आप चाहे तो दोस्तों दो कपड़े जो है अलग अलग डॉग के लिए जो है निकाल के रख सकते हैं, उसके स्पेशल आप आपके घर में जो यूज़ होता है वो कपड़ा बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, उसका जो अलग जो कपड़ा और टॉवल आता है वो आप जो है अलग से ही जो मार्केट से बाय करके जो है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके खाने का, ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका डॉग अगर भीग जाता है बाहर या बाय चांस आपको उसको सर्दी लगने के चांस, आपको ऐसा लग रहा है कि उसको आज भीग गया हो जल्दी उसको जो सर्दी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं आप जो है उसको बॉयल एग दे सकते हैं, गर्म जो है उसको खिचड़ी या फिर चावल खाने को दे सकते हैं, जिसके कारण उसको जो है अंदर से जो विटामिन और ऊर्जा मिलती रहेगी, जो जो गर्माहट मिलती है वो जो उसको मिलती रहेगी। और दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों स्ट्रीट डॉग की जो है हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट डॉग बाहर है कहीं तो उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं, उसके कारण जो है उनका बहुत फ़ायदा होगा, उनकी भी थोड़ी मदद हो सकती है। आप उसे चाहे तो खाने के लिए भी दे सकते हैं कुछ, आपकी रोटी वगैरह हो या फिर आप कपड़ा भी दे सकते हैं, सूखी जगह पर भी आप रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जितना हो सके उतना दोस्तों स्ट्रीट डॉग की ज़रूर मदद कीजिएगा, आपको एक डॉग की या किसी कोई भी डॉग की जो मदद कर काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ध्यान रखिएगा आप जो है आपके डॉग को जो पानी देते हैं, तो कई कई ऐसे ओनर होते हैं जो गर्मी में ज़्यादा पानी देते हैं, सुबह का पानी तो शाम तक रह जाता है, पर दोस्तों अभी ऐसा मत कीजिएगा, आप अगर सुबह पानी रखते हैं फिर शाम को पानी वही वो डॉग पीता है तो ऐसा मत कीजिएगा, जिसके कारण उसको एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, बुखार, फिर पोटी की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है, और चाहे तो ज़्यादा बुखार भी हो सकता है, फिर वो खाना नहीं खाएगा, खाना जो है बंद कर देगा धीरे धीरे, उसको बहुत सारे अंदर जो जम्स होते हैं वो भी जो ज़्यादा होने के चांसेस है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह का पानी उसको शाम तक मत दीजिएगा, और एक कटोरे में ध्यान रखिएगा आप कम से कम दो घंटे में उसका पानी चेंज करते रहिएगा, और पानी भी जो है एक साथ अगर सुबह का आप शाम तक रखते तो उसमें जो है बहुत सारे कीटाणु होने के चांसेस है, इसमें अंदर जो बैक्टीरिया होने के चांसेस है जो आपका डॉग आसानी से पी लेगा पानी के साथ, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम में दिक्कत आ सकती है। और पानी आपको देना है तो बिल्कुल ठंडा आपको बिल्कुल ही नहीं देना उसको, कि आपने जो फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल दिया उसको देना है, ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, मीडियम टेम्परेचर पर रखिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा मतलब ठंडा भी नहीं, इसमें दीजिएगा, जिसके कारण उसको जो काफ़ी अच्छा रहेगा
और जो उसकी जो बॉडी जो है मेंटेन जो उसको जो ऊर्जा चाहिए उस हिसाब से उसको मिलती रहेगी, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ज़्यादा ठंडा और आप ज़्यादा गर्म नहीं देना, और दो दो घंटे या तीन तीन घंटे में जो पानी चेंज भी जरूर कीजिएगा ताकि उसमें कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऐसा जो है एलर्जी उसमें ना रह जाए ताकि आपका डॉग जो बीमार पड़ेगा। और दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मल जो अगर आपका डॉग घर पर फ्लैट में रहता है फिर घर में रहता है तो उसको दो टाइम जो वॉक ज़रूर होती है, वॉक पर आपको ज़रूर ले जाना चाहिए। तो आप अगर कंटिन्यू जो बारिश चालू रहती है सुबह या शाम तो आप चाहे तो उसके लिए जो है अलग से रेनकोट आता है फिर बूट वगैरह आते हो तो वो आप बाय कर सकते हैं। वो आपके जो नज़दीक में कोई शॉप वगैरह होगी या फिर आपके कोई जो मॉल वगैरह हो वहाँ पे डॉग का सामान मिलता है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं उसके साइज का प्रमाण लीजिएगा और उसको जो एकदम कंफर्टेबल अच्छा रखे, उसको कहीं चुभे नहीं, ऐसा उस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपके डॉग में चलने के लिए जो बूट वगैरह आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके कारण आपके डॉग के जो पैरों में कुछ चुभेगा नहीं और उसको पानी के कारण कुछ एलर्जी नहीं होगी। और फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके डॉग का खाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों उसको जो है गर्माहट वाला खाना आप दीजिएगा, ज़्यादा ठंडा मत दीजिएगा क्योंकि गर्मी टाइम जो है उसको ठंडा अच्छा लगता था बट अभी ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली जो उसको दही या छाछ देते हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा ठंडा बिल्कुल मत दीजिएगा, आप थोड़ी देर जो बाहर निकाल के रखिए उसके बाद दीजिएगा। और साथ साथ पे ध्यान रखिएगा ज़्यादा खट्टी चीज़ भी उसको मत दीजिएगा जिसके कारण उसको सर्दी या फिर इन्फेक्शन या फिर बुखार लगने के चांसेस होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडी एकदम मत दीजिएगा कोई चीज़, जो नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम होने दीजिएगा फिर आप उसे दे सकते हैं। थोड़ा गर्म हो जाने के बाद जो छाछ दही आती हो और खट्टा भी बिल्कुल नहीं देना, आपको थोड़ा सा जो है मीठा दही आप चाहे तो जो बाजार में से लेके आ सकते हैं बट बिल्कुल एकदम खट्टा नहीं देना जिसके कारण उसको प्रॉब्लम ना हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और खाने में बहुत सारे मल्टी विटामिन्स का जो है वो न्यूट्रिशन वाला उसको खाना दीजिए, जो हफ्ते में एक दो बार उसको नॉनवेज जरूर दीजिएगा। एग दीजिएगा चावल के साथ जो है एग बॉयल एग करके आप दे सकते हो, और जो कच्चा मीट उसको बिल्कुल नहीं देना और कच्चे अंडे भी उसको बिल्कुल ही नहीं देना, आप बॉयल करके उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें से उसका जो हेल्थ भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी और उसको कुछ जो गर्माहट चाहिए उतनी उसको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि जैसे दोस्तों आपको पता है गर्मी तो निकल गई है कि गर्मी में आपका डॉग जो है ज़मीन पे सो जाता था या फिर कहीं और सो जाता था जिसके कारण उसको ठंडा तो महसूस होती थी जिसके कारण वो सो जाता था, बट अभी ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको जैसे पता है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है उसके कारण जो रात को कभी कभार ठंडी भी लगती है, तो आपका डॉग ऐसा जो ज़मीन पे उसको सोने मत दीजिएगा जिसके कारण उसको बुखार हो सकता है और भी और कोई प्रॉब्लम या फिर उसको जो कई और भी जो डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो आप उसका अलग से बिस्तर या फिर बेड बिछा के रख दीजिएगा जैसे कि उसको पता चलेगा कि उसका बेड है, अगर रात को उसको बाय चांस ठंडी लगती है या फिर कुछ इन्फेक्शन या फिर कभी कभी जो है उसको जो बुखार आ जाता है उसके कारण जो उसको गर्मी लगती है तो दोस्तों वो भी जो शांति से जाके उसके बेड पर सो जाएगा, उसको गर्माहट मिलती रहेगी। अगर आप उसका बिस्तर नहीं बिछा के रखते हो फिर वो कहीं भी और जाके सो जाएगा, उसको जो ठंडी लगने के चांसेस है उसको ठंडी भी लग सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये डिसिप्लिन वाला भी पॉइंट है क्योंकि उसका अलग से बेड होगा या फिर बिस्तर बिछाया होगा तो उधर ही जाके सो जाएगा, आपको कुछ और दिक्कत या फिर प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा आप उसका अलग से बेड या फिर बिस्तर बिछा के रखिएगा जिसके कारण उसको काफ़ी अच्छा और जो डिसिप्लिन में भी आपका डॉग रहेगा। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा दोस्तों जितना हो सके उतना स्ट्रीट डॉग की जरूर हेल्प कीजिएगा, आपके आजू बाजू जो स्ट्रीट डॉग है उसके लिए कपड़े या फिर जहाँ पे बारिश नहीं गिरती वैसी जगह पे उसको शिफ्ट कीजिएगा, अगर कोई पपी होता है तो उसकी भी जो है जरूर मदद कीजिएगा दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये जो है नॉर्मल वीडियो जो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट बताया आपको अच्छे लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ मन में डाउट हो तो आप हम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे जो इंस्टा या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जो है अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।